हमें लेके का मौका मत दो। एक मरते हुए मरीज को उसकी सांसें लौटा दे। आज आज अगर आपने इफ्रा का हाथ ना मांगा तो मैं इफ्रा का रिश्ता अपने पड़ोसी के बेटे के लिए मांगूंगी, और मैं ये कर सकती हूँ। और आपका एक इकलौता बेटा सारी उम्र तड़प तड़प के एक नाकाम आशिक की तरह मातम मनाते हुए जिंदगी गुजार देगा। नहीं बेटा, तुम समझ रही हो, ये मेरा मसला नहीं है। असल में सालिक की माँ जो है ना, वो पसंद की शादी के खिलाफ है। क्या? न्यू सपना? कुछ सोचना पड़ेगा। और किधर है मेरी नू? ओ जी आया नू, बखैर राख ले, वेलकम। बाबा भली करे आयो। सम्मान दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्योंकि अब्बा जी वो अम्मा जी के घर से आई नहीं है। या अल्लाह, खैर आपा जी ने डिमांड में इजाफा तो नहीं कर दिया? ऐसी कोई बात नहीं अब्बा जी। तो फिर क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं उसे लेने नहीं गया, और ना ही मेरा जाने का कोई इरादा है। पहेलियां ना बजवा, जब मुझे पहली का जवाब नहीं आता ना, तो मेरे तन बदन में खारिश होने लगती है, और मेरा जी चाहता है कि सामने वाले का मुंह नोच लूं, या फिर बराबर वाले को ठुड्डा मार के कमरे से निकाल दूं। ना बुझवा पहेलियां। अब्बा जी, मुझे बीवी के नाम पे सुख दुख का साथी चाहिए, ये दौलत की बुजारन का क्या करूंगा मैं है? और ये जो प्रॉपर्टी वाली शर्त रखी है, मेरे मोहब्बत की तोहीन की है उन्होंने, मैं नहीं जा रहा लेने। लो जी, नवा कट्टा खुल गया। हां अरबाब भाई, भाभी आपसे बहुत प्यार करती है, बल्कि वो तो... चुप करो तुम, तुम्हें कुछ नहीं पता दिल के मामलात के बारे में। अबा मैं नहीं जाऊंगा।